दोस्तों आमतौर पर बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में आपने गाने देखे या सुने तो जरूर होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसी मूवी के बारे में जानते हैं जिसमें कोई सॉन्ग नहीं है? नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 3 पर है द लंच बॉक्स। 2013 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गई थी, बावजूद इसके कि इसमें कोई गाना नहीं था और फिल्म में लीड रोल इरफान खान का था। आपको बता दूं मूवी का बजट 22 करोड़ का था, वहीं कलेक्शन लगभग 100 करोड़ का हुआ। साथ ही इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.8 की है। नंबर 2 पर है अ वेंसडे। 2013 में रिलीज हुई ये फिल्म उन बॉलीवुड मूवीज में से है जिनके रीमेक फॉरेन कंट्री में देखने को मिले। इस फिल्म में लीड रोल अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह का था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 6 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। और बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो 10 में से 8.1 की है। नंबर 1 2021 की आइकॉनिक मूवी सरदार उधम, जिसमें लीड रोल विकी कौशल का था। ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बजाय ओटीटी पर रिलीज हुई थी और फिर लोगों ने इसे काफी पसंद किया। आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा 8.5 की आईएमडीबी रेटिंग से ही लगा सकते हैं। दोस्तों आपको इनमें से सबसे बढ़िया मूवी कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताना।